आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली में दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसे सुनकर आपका भी रूह कांप जाएगा। महज कुछ रुपए के खातिर कोई इस हद तक नीचे गिर सकता है कि इंसानियत को तार तार कर दे, ये सुनकर ही शर्म आती है। कुछ ऐसी खौफनाक वारदात को दिल्ली के द्वारका इलाके में अंजाम दिया गया है, जहां एक दंपति द्वारा एक बुजुर्ग महिला को काट कर टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग 3 बैगों में भरकर नाले में बहा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म करने वालों के दिन छोटे होते हैं और उनकी एक छोटी सी सुराग उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। दरअसल ये पूरी घटना दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई है, जहां द्वारका इलाके में रहने वाले पति पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे 3 बैग लाए, लाश को काट कर इन बैग में बारी बारी से भरा और नाले में बहा दिया। इस पूरी वारदात का पर्दाफाश CCTV फुटेज सामने में आने के बाद हुआ। पुलिस ने आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड को पड़ोस के रहने वाले दंपति अनिल आर्या और कामनी उर्फ तनु ने अंजाम दिया। इस हत्या के बारे में किसी को पता न चल सके, इसलिए दंपति ने लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें 3 बैग में डालकर नाले में बहा दिया। इसके बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पति अनिल आर्या इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। अनिल ने 75 साल की बुजुर्ग महिला कविता से 1.5 लाख रुपए लिए थे। बुजुर्ग महिला अपने पैसे मांग रही थी, जिसकी वजह से अनिल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची और 30 जून को बुजुर्ग महिला जब घर में अकेली थी, तब रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लान बनाया। सब्जी काटने वाले चाकू से उसने बुजुर्ग महिला की लाश के कई टुकड़े किए और बैग में डालकर लाश को नजफगढ़ के नाले में फेंक दिया। इसके बाद वे दोनों घर से फरार भी हो गए। 3 जुलाई को मोहन गार्डन थाने की पुलिस को बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी की शिकायत दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच शुरू की तो पता चला कि पड़ोस में रहने वाले पति और पत्नी भी गायब हैं। पुलिस ने जब बुजुर्ग महिला के घर का CCTV कैमरा खंगाला तो उसमें आरोपी अनिल आर्या भारी बैग लेकर जाता हुआ दिखा। पुलिस को यकीन हो गया कि मामला गड़बड़ है और इसके बाद पुलिस ने पति और पत्नी को तलाश करना शुरू कर दिया। दोनों की लोकेशन उत्तराखंड के रानीखेत मिली। पुलिस जब रानीखेत पहुंची तो पति और पत्नी फरार हो गए थे। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर दोनों पति और पत्नी को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति और पत्नी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।